नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में चौटाला परिवार का जो गढ़ है दोस्तों, एलनाबाद हलका, उस पर हम बात करेंगे। चौधरी देवीलाल के दोनों बेटे जो हैं वो प्रताप सिंह चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला जी के चुनावी जीवन की शुरुआत एलनाबाद हलके से होती है। पहली बार जो चुनाव हुए थे उसमें चौधरी देवीलाल जी के जो बेटे थे प्रताप सिंह चौटाला, वो कांग्रेस प्रत्याशी बने थे और उन्होंने निर्दलीय लालचंद खोड़ जी को हराया था। लेकिन 1968 के मध्यावधि चुनाव में लालचंद खोड़ जी ने ओम प्रकाश चौटाला जी को हरा दिया था। इस चुनाव में खोड़ साहब राव वीरेंद्र सिंह जी की जो विशाल हरियाणा पार्टी है उसके प्रत्याशी होते थे और ओम प्रकाश चौटाला जी जो थे उन्होंने कांग्रेस की ओर से ये चुनाव अपने जीवन का पहली बार लड़ा था। चौटाला जी ने लालचंद जी के खिलाफ फिर एक याचिका डाल दी जिसे नवंबर 1968 में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इस फैसले के खिलाफ चौटाला साहब उच्चतम न्यायालय गए जिसने मई 1970 में लालचंद खोड़ जी के चुनाव को रद्द कर दिया। 10 मई 1970 को ये उपचुनाव होता है और ओम प्रकाश चौटाला जी फिर से कांग्रेस की ओर से मैदान में उतरते हैं। उनके सामने जनसंघ के प्रत्याशी पृथ्वीराज होते हैं और चौटाला जी 30,000 वोट उनको मिलते हैं और उनके विरोधी को 12,000 वोट मिलते हैं। इस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी पहली बार विधायक बनते हैं। 1972 में चौटाला गांव में जन्मे कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी ब्रजलाल ने निर्दलीय बीरबल को पराजित करके इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा वो बरकरार रखते हैं। 1977 में ये सीट आरक्षित हो जाती है और फिर 2005 तक यहाँ रामराज बना रहता है। 28 साल के इस अंतराल में 6 चुनाव कुल यहाँ पे होते हैं जिनमें 5 बार लोकदल धारा के भागीराम ने ये चुनावी रण जीता। केवल 1991 में भागीराम जी कांग्रेस के मनीराम जी से हार गए। 1977, 1982 और 1987 में भागीराम जी ने मनीराम जी को हराया था। 1996 में भागीराम जी ने कांग्रेस अविपा के करनैल सिंह को हराया था। साल 2009 में कांग्रेस के ओम प्रकाश भागीराम जी का शिकार बने। 2005 में इनेलो के डॉक्टर सुशील इंदौरा ने कांग्रेस के मनीराम जी को हराया और निर्दलीय ओम प्रकाश केरवाला तीसरे स्थान पर रहे। साल 2009 में विधानसभा क्षेत्र ये जो था ये सामान्य सीट बन गई एलनाबाद, और एलनाबाद से चुनावी जीवन की जो शुरुआत करने वाले ओम प्रकाश चौटाला जी हैं वो दोबारा अपने रण क्षेत्र में आ जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल जी को हराया। साल 2014 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तिहाड़ में थे तो उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से ताल ठोकते हैं और भाजपा के पवन बेनीवाल को चित करने में सफल रहते हैं। कांग्रेस के रमेश भादू तीसरे नंबर पर रहते हैं। साल 2019 में अभय चौटाला जी ने भाजपा के पवन बेनीवाल को हराने में सफल रहते हैं। इसके बाद किसान आंदोलन में वो अपनी सीट खाली करने का साहस जुटाते हैं और उपचुनाव जीतकर भाजपा को ये दिखाते हैं कि एलनाबाद हलका मेरा हलका है, यानी कि इनेलो का हलका है। भाजपा ने उनको हराने की भरपूर कोशिश की लेकिन भाजपा के गोविंद कारनाथ जी के हिस्से जीत अभी नसीब नहीं हो सकती हो पाई इस चुनाव में। और 2024 अब सामने है दोस्तों, अभय सिंह चौटाला की घेरेबंदी करने के लिए एक नया सियासी खिलाड़ी भी वहाँ पे काफ़ी सक्रिय है। उनके वीडियो आप सोशल मीडिया पे देख सकते होंगे। और क्या आपको लगता है कि बड़ के पेड़ों के नीचे पौधे पनप सकते हैं? क्या एलनाबाद ओम प्रकाश चौटाला जी को छोड़कर किसी और के खाते में जा सकता है? क्या चौटाला परिवार यहाँ से हार सकता है? क्योंकि इस उपचुनाव में तो भाजपा ने यहाँ पूरा जोर लगाया था लेकिन फिर भी वो अभय चौटाला को नहीं हरा पाए थे। लेकिन 2024 में ऐसा क्या कमाल हो सकता है जिससे अभय चौटाला जी को परेशानियां खड़ी हो सकती हैं? आप जरूर कमेंट करके बताना 2024 में एलनाबाद किसको अपना विधायक चुन सकता है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। कल फिर मिलेंगे एक और हलके की सियासी कहानी के साथ। 3 बजे राजनीति की बातों का सिलसिला जारी रहेगा।